जब बैलेंस में है तो बहुत बड़ा एसेट है, जब वो आउट ऑफ बैलेंस चली गई तो वो हमारे खिलाफ में बहुत कुछ तकलीफ पैदा कर सकती है। मैं उदाहरण के लिए पित्त के बारे में थोड़ा बोलना चाहूँ। कोई व्यक्ति बहुत उतावली में है, हाइपर है, लेफ्ट साइड सोता है, नॉर्थ की तरफ सिर करता है, अगर उसके घर का साउथ ईस्ट का कोना है, अग्नि कोण, वहां वो सो रहा है, खाने के साथ पानी पी रहा है, रात का खाना लेट हो रहा है, या बिना भूख लगे जब भी कुछ सामने आया खा लिया, भूख लगी थी तब खाया नहीं, ये सारे के सारे चीजें, और जो खाना चाहिए था वो नहीं खाया, जो उपलब्ध था या जो जीभ को अच्छा लगा वो खा लिया। जीभ जब मन शांत नहीं होता, शरीर स्वस्थ नहीं होता तो मिसगाइड कर सकते। जैसे हम सभी जानते हैं वो रोटी और आलू मटर की सब्जी में और समोसे के स्वाद में फर्क होता है। वो जो फ्राइड चीजें हैं उसमें जो ऑयल कंटेंट आया, भले ही वो 250-300 डिग्री टेम्परेचर पर सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, लगभग सारी चीजें वो डेड चीज है, लेकिन टेस्ट बड्स तो होते हैं, मजाक है। आप बोलेंगे ये योग वाला है क्या, मुझे इसमें अच्छा लगता है इसलिए हूँ, मैंने तो कोई योगी हूँ, सामान्य हाउस होल्डर हूँ, मूवी देखता हूँ, दंगल के बाद कोई देखने का मौका नहीं मिला, लहसुन प्याज खाता हूँ। दिनेश भाई बोल रहे स्वामी जी, एक बार मेरे ससुराल वालों को जाकर के किसी ने बोला कि अरे वो आश्रम में रहने लगा, योग तो पहले से ही करता था, तुम्हारी लड़की गई काम से। मैं ये कहना चाहूंगा जिसका अपने ऊपर कंट्रोल है वो स्वामी है, और योग उस कंट्रोल का ही नाम है। पहले महर्षि पतंजलि ने बोला अथ योग अनुशासनम, ये डिसिप्लिन है। फिर दूसरे सूत्र में उन्होंने बताया कि दिस इज डिसिप्लिन, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, कि मेरा मेरे मन के ऊपर अधिकार भी नहीं तो कम से कम काम चलाओ, मित्रता तो हो, ये योग है। और इसके लिए जब हम कुछ करने जाते हैं तो मेरे ख्याल से हाथ बहुत मदद करता है। मेरी हार्ट लाइन एक एज में जाकर गड़बड़ाती थी, 20-22 साल उसके पहले मैंने चालू किया एक तो ये मुद्रा, इसको अपान वायु मुद्रा कहते हैं। दूसरा, जिन लोगों का सिर वेल फॉर्म्ड है उनकी जीभ ऊपर मोड़ करके वो गले में ले जा सकते हैं। वो गले में ले जाने के बाद आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा, ये नई बात नहीं है, हम अपने माँ के पेट में थे तो जीभ अंदर ही थी, और तब हम संकल्प करते थे इस बार चूकेंगे नहीं, जिस काम के लिए हम धरती पर आए हैं ना वो करेंगे। क्या काम के लिए धरती पर आए हैं? राम सुखदास जी महाराज और गुरु शरणानंद जी महाराज का कहना है कि कोई जीव का इवोल्यूशन विकास इतना हो गया कि अब वो मोक्ष के लिए तैयार है, तब उसको इंसान का शरीर मिला। तो ये जीव को अंदर मोड़ कर रखना, उसके साथ ही बीपी कम होता है, पल्स रेट कम होती है, बॉडी टेम्परेचर कम होता है, नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को, हार्ट को, सबको आराम मिलता है, पित्त भी ठीक होता है, लेफ्ट नॉस्ट्रल चला पित्त ठीक होता है। जानबूझ करके ये मुद्रा की गई, पित्त में आराम मिलेगा। कितनी देर में आराम मिलेगा? कोई व्यक्ति साधक स्वभाव का है, जाप ध्यान का अभ्यास करता है, मंदिर में वो सत्ता से जुड़ पाता है, जाना और कुछ मांगना भिखारी की तरह से वो तो सभी कर लेते हैं, उसको कुछ मिनट, 2-4-5 मिनट, जिसका खाना पीना ऊपर नीचे है, बहुत स्ट्रेस में रहना पड़ रहा है, यानी जागरूकता कम हो गई है, तो आचार्य केशव देव जी लिखते हैं कि 45 मिनट लगेंगे। शॉर्टकट्स तो नहीं होते, लेकिन अगर हम रास्ते पर हैं तो चीजें आसान होती चली जाती। और मेरा तो मानना है वो भगवान सारथी उसी के बनते हैं। दुर्योधन ने बोला कि ये आपके आयुध हैं, हथियार हैं, आप तो काम में लेने वाले हो नहीं, मैं ले जाऊं क्या? तो उन्होंने बोला हाँ ले जाओ। वो एक भी चीज को हिला भी नहीं पाए। हम अपनी पात्रता बढ़ाएं तो उसका रास्ता क्या है? मेरा अनुभव है आज के ये कलयुग में उसका रास्ता है आराम। मैं नेहरू जी की ये बात से कि आराम हराम है सहमत नहीं हूं। आराम को आलस नहीं समझिए, आराम को हमने जैसे समझा है वो संतोष भी नहीं समझिए। संतोष का साधारणतया मतलब ये करते हैं जो होना है सो हो जाएगा ना, संतोष एक सात्विक भावना है,
कि जो कुछ मुझे मिला वो मेरे भाग्य से मिला है, कुछ पुण्य किया है उससे मिला है, मैं इसको स्वीकार करता हूं और इसको आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लेता हूं, जीवन भर लगा रहूंगा, न दैन्यम न पलायन। हम लोगों ने जब से शॉर्टकट्स खोजे ना, जब से यहां शास्त्रार्थ बंद हुआ, यानी डिबेट, डिबेट का मतलब होता है मैं सही हो सकता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, आप सही हो सकते हैं, शायद दोनों सही हो सकते हैं, शायद दोनों गलत हो सकते हैं, या वो सत्य है वो ऐसी चीज है जिसको एक्सप्रेस ही नहीं किया जा सकता, अभिव्यक्ति संभव नहीं है, तब तक तो सब ठीक था, अभी तक तो ये है कि अब ये है कि मैं हूं ना, अरे भाई मैं क्या हूं, आज हूं कल नहीं, कल का भी क्या, अगला सांस आएगा नहीं आएगा क्या मालूम, सांस की बात आई तो मैं पित्त से सांस पर आना चाहता हूं वापस। भागवत में आया है कि बल कहां से मिलता है, क्या है बल, तो उसका जवाब दिया गया है प्राणायाम बल है। प्राणायाम क्या है इसका जवाब मैं महर्षि रमण की गीता से देना चाहूंगा, उनसे पूछा गया व्हाट इज प्राणायाम, तो बोलते हैं गेटिंग अवेयर अबाउट ब्रीथिंग इज प्राणायाम। इसको आप सरल करना चाहें तो कुछ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, पहले तो जैसे आपके यहाँ ग्रीनरी है ऐसा कुछ हो तो बहुत अच्छा है, उसके बाद शरीर हिले डुले नहीं तो अच्छा है, उसके बाद ये लंग्स का इंटरकोस्टल पोर्शन जहाँ 80% लंग कैपेसिटी है अगर उसको यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, अगर यहाँ क्लेविकुलर पोर्शन में खिंचाव तनाव तनाव आया ना तो अवेयरनेस कम होगी, वो जो झटका लगेगा वो जो कोशिश होगी उसमें महसूस करने में कमी आएगी, और प्राणायाम क्रिया नहीं है, प्राणायाम बहुत हद तक तो स्थिति है जिसको अनुभव करना है एंजॉय करना है। प्राणायाम की प्राकाष्ठा उसका क्लाइमेक्स है वो अनुलोम तो शुरुआत है केवल कुंभक है, जहां सांस की जरूरत नहीं रह गई, जहां हम थे न लेना रह गया न निकालना रह गया, न निकाल कर रोकना रह गया न लेकर रोकना रह गया, और ये कब होता है जब ये खाली हो गए, जब इसके साथ मित्रता हो गई। हम लोगों में से तो मालूम नहीं कितने लोगों का पात्र है वो ऐसा होगा, कितने लोगों का पात्र ऐसा होगा, ऐसा होगा तो फिर उसमें को उसकी परमात्मा की कृपा बरस भी रही होगी तो परमात्मा क्या कर लेगा, इसी का नाम फ्री विल है कि मैं परमात्मा के खिलाफ हो सकता हूँ, मैं अपने वो भले को नकार सकता हूँ, मैं फ्री हूँ, और वो जो रास्ता ये कि मैं अपनी पात्रता बढ़ा करके उससे जुड़ सकता हूँ, उसके लिए हिंदी में एक सरल सा शब्द है याद, याद को दया कर लीजिए, वो याद को उल्टा कर लीजिए तो वो दया हो जाता है, और वो उल्टा करने का क्या है जाकर के गिड़गिड़ाइए ये नहीं है, हमें अपने नर्वस सिस्टम को और प्योरीफाई करना होगा, हमने अपने अपने शरीर को और व्यवस्थित करना होगा, तब हम कोई हायर रियलिटीज को कोई हायर डायमेंशंस के साथ जोड़ पाएंगे, रोजाना उसका कुछ न कुछ अनुभव कुछ ग्लिम्पसेस मिलेंगे, तब व्यक्ति मांगेगा तो भी जैसे माँ बाप से मांगता है वैसे हक से मांगेगा, नहीं मांगे तो भी मिलेगा। भक्त प्रहलाद को नरसिंह देव ने बोला मांगो मांगो, तीसरी बार पूछा ना तब उन्होंने बोला हाँ अब मुझे समझ में आया, मुझे ऐसा कर दीजिए कि वापस कोई मांग नहीं उठे, वैसा भी नहीं तो कम से कम हमारी मांग सही रास्ते की हो और वो पूरी हो, उसके लिए जो हम जागरूकता और ऊर्जा पैदा करते हैं उसमें प्राणायाम का मुख्य रोल है, प्राणायाम में नहीं करने का मुख्य रोल है, आसन में वो किए जा जिनकी जरूरत है, और जरूरत का कैसे पता लगेगा, आपने करके देखा तो मजा आया ना, वो तो आउट ऑफ सिलेबस है नहीं, और जो अच्छा नहीं लगा ना वो आउट ऑफ सिलेबस है। मैं 61 साल लगातार अभ्यास करके उसके बाद ये बोल रहा, ये बॉडी अवेयरनेस है ना, ये ऐसे नहीं कहते अब हम अगले इंटरनेशनल डे पर मिलेंगे तब मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, हमारी जिम्मेदारी है तो जागरूकता को बढ़ाएं, उसके लिए सत्संग स्वाध्याय साधना योगाभ्यास ये स्वाभाविक रूप से नियमित रूप से चलते रहे, वो जो ऊपर की सत्ता है उसको खाली मानना काफी नहीं है, हम मैथमेटिक्स में मानते हैं कि x मान लिया, x मान कर बैठ गए तो सॉल्यूशन थोड़े ही आए, फिर तो हमारी प्रार्थना है
फ्रांसिस की प्रार्थना है कि हे ईश्वर तू है तो मेरी आत्मा की रक्षा करना, आत्मा जैसी कोई चीज होती हो तो नहीं, हमें उस रास्ते चलना होगा, उसको खोजना होगा, परखना होगा, अनुभव करना होगा और तब हम उसका उपयोग कर पाएंगे।